बच्चे आ जा रहे हैं अभी। बच्चे आवाज आ रही है अभी, आ रहे हैं? यस सर। ओके, इससे पहले हम जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़े हुए थे उसको एक बार डिफाइन कर लेते। एनर्जी बैंड हमने पढ़ा हुआ था, दो तरह के एनर्जी बैंड हमें मिली हुई थी, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। सभी कंडक्टर में अराउंड अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो ये आपके पास जो बैंड गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ रहा था, ठीक है ना। 1.1 आपके पास होता था जब सिलिका होती थी, जर्मेनियम के लिए यही एनर्जी बैंड या एनर्जी गैप आप जिसको बोले 1.7 हो जाता था, राइट। दो तरह के उसके बाद मुझे सेमीकंडक्टर मिले थे, एक इंस्ट्रिंग और एक एक्सट्रिंग। इंस्ट्रिंग वाले में क्या था कि सर यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर होता था, किसी भी तरह का कोई डोपिंग नहीं करते थे हमें, और उस टाइम पे अगर मैं देख के चलूं तो इनके पास जितना ही होल क्रिएट होता था उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जिनके वजह से ही इस सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी होगी, करंट फ्लो होगा, दोनों के वजह से होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल सेम हो रहे थे। जबकि अगर हम बात करें मेरे पास एक्सट्रिंग सेमीकंडक्टर में, तो यहाँ पे दो तरह के मेरे पास डोपिंग कर रहा था मैं, एक पेंटावेलेंट और एक ट्राइवेलेंट। अगर मैं ट्राइवेलेंट का डोपिंग करता हूं तो मुझे पी टाइप का मिल रहा था, पेंटावेलेंट का करता हूं तो एन टाइप का मिल रहा था। अच्छा, पी टाइप में आप लोगों को मैंने थोड़ा सा याद भी कराया था, पी मतलब पॉजिटिव हो गया, यानी नंबर ऑफ होल यहाँ पे ज्यादा होंगे कंपेरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एन मतलब आप नेगेटिव मान के चल लो, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं कंपेरिजन टू नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कंपेरिजन टू नंबर ऑफ होल्स के, एग्री। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में अगर मैं ट्राइवेलेंट करूं तो ट्राइवेलेंट आपको पता है एल्युमिनियम होता है, तो अगर मैं एल्युमिनियम का डोपिंग करता हूं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है जिसमें नंबर ऑफ होल्स मुझे ज्यादा मिलेंगे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और अगर मैं बात करूं एन टाइप में, तो एन टाइप में मैं पेंटावेलेंट डोपिंग करता हूं, जहां पे आप फास्फोरस समझ सकते हो, फास्फोरस मेरा एक पेंटावेलेंट डोपिंग होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ज्यादा होगा नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। और ये भी आपने डिस्कस कर लिया था कि जब मैं कोई सेमीकंडक्टर लेता हूं और उस सेमीकंडक्टर को किसी सर्किट से जोड़ूंगा तो इस सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे इस डायरेक्शन में और होल्स का भी मूवमेंट होगा, तो जो करंट फ्लो होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू होल्स दोनों के वजह से होगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप मोबिलिटी बोलते हो, ठीक है, आप हमेशा याद रखना मोबिलिटी। सर वॉइस बंद हो गई। अभी आवाज आ रहा है बच्चे? यस सर। ठीक है, तो आप यूं समझ सकते हो। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सर जो होल्स हैं उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। आप एक चीज थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, होल्स हैव लोअर मोबिलिटी। इसका रीजन एक तो आप कह सकते हो कि सर आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो, ये रियलिटी है नहीं। मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स मेरे कोवेलेंट बैंड से बाहर निकलते हैं तो होल्स क्रिएट होता है। दैट मीन आप ये मान के मोटा मोटा चल सकते हो कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा कुछ है नहीं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सर अगर इस सिलिका से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये सिलिका अब मेरा एक पॉजिटिव चार्ज रख लेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो मास जो पॉजिटिव चार्ज का होता है वो ज्यादा होता है, और मास अगर ज्यादा है तो इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, और मोबिलिटी कम है तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से
होल्स के वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कंपैरिजन टू कम होगा किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन के वजह से, ठीक है। बट एक्चुअली में ये मैं आपको केवल आइडिया दे रहा हूं याद रखने के लिए, जो परफेक्ट रीजन है वो क्या है इसको समझना। सर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्चुअली में कहां होते हैं? सर सबसे बाहरी सेल में होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, इनको निकालना आसान है। रादर देन सर ये जो होल्स क्रिएट हो रहे हैं ये हैं इन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, और इस कोवेलेंट बॉन्ड से इस होल को एक जगह से दूसरे जगह में जाने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो बच्चे इसका जो मूवमेंट है, इसकी जो मोबिलिटी है वो कम होगी रादर देन इस इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। और मोबिलिटी कम है तो आपको भी पता है कि सर इसके वजह से जो फ्लो होगा वो भी कम होगा, और फ्लो कम होगा तो इसके वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है होल के वजह से वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके कंपैरिजन में कम होगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हो चुका है, इतनी अपनी डिस्कशन हो चुकी थी। अच्छा, इस वाले पूरे पार्ट में अगर कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है कुछ भी थॉट प्रोसेस में, तो मुझे एक बार बताना, चैट में बता देना या फिर अपना माइक ऑन करके बता देना, दोनों में से सारी बातें सही चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ू फिर, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? कार्बन, सिलिका और जर्मेनियम, आप सबको पता है सर ये तीनों मटेरियल मेरे पास एज अ सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं और हैव सेम लेटेस्ट स्ट्रक्चर, व्हाई कार्बन इंसुलेटर व्हाइल सिलिका एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। मैं पहले यहां पे जो छोटा सा क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के सामने। देखना, अगर आप कार्बन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी ये टेट्राहेड्रल होता है, सिलिका का देखेंगे तो आपको भी पता है सिलिका में भी मेरे पास चार कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जर्मेनियम का देखेंगे तो इसमें भी सर मेरे पास चार कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। इनका अगर आप स्ट्रक्चर लैटिस स्ट्रक्चर देखोगे तो सबका सेम होगा, बोलो एग्री, सबका सेम दिख रहा है मुझे टेट्राहेड्रल। बट आप क्या कहते हो सर, कार्बन, कार्बन मेरे पास कैसा है? कार्बन कैसा है बच्चे आपके पास? एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, और सिलिका और जर्मेनियम ये आपका इंस्ट्रिक सेमीकंडक्टर की तरह काम कर सकता है। थोड़ा सा आइडिया सोच के बता सकते हो सर कार्बन क्यों मेरे पास एज अ इंसुलेटर की तरह काम करता है? अच्छा, इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ सर? इंसुलेटर मेरे पास वो मटेरियल होते हैं जिन पे आप कहते हो को कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा, एग्री। आप यहां पे सर इसका कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, ये जो इनकी जो एनर्जी गैप है आप अगर बात करो तो सर वो एनर्जी गैप मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ही होगा, और सर आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो कोवेलेंट बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप नहीं कर सकता इस कंडक्शन बैंड के अंदर। जबकि सिलिका और जर्मेनियम की अगर आप बात करें तो उनमें जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड होता है, ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपको पता है सिलिका के लिए 1.1 और जर्मेनियम के लिए 1.7 होता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, और बच्चे यही रीजन है कि मेरे पास सिलिका और जर्मेनियम एज अ सेमी कंडक्टर काम करते हैं जबकि कार्बन एज अ इंसुलेटर। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े फिर। यस। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और है। इन एन एन टाइप सिलिकॉन, एन टाइप सिलिकॉन मतलब क्या हो गया सर? एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कब होंगे? जब यहां पे आप कौन सी डोपिंग कराओगे? एन टाइप सिलिका मतलब एन टाइप कंडक्टर बनाने के लिए किस तरह की डोपिंग कराओगे सर? ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, इसका आंसर देना। ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट कराओगे तो एन टाइप मिलेगा पक्का? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट। आप खुद सोचो एन टाइप का मतलब क्या हुआ?
और पी टाइप का मतलब क्या हुआ। अच्छा एन टाइप में आपको अगर मोटा मोटा थोड़ा सा याद है सर, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से, और पी टाइप मतलब सर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे कंपेरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बोलो एग्री हो इस बात से? अरे एग्री हो। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब ज्यादा होंगे जब वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा कब, जब आप वहां पे पेंटावेलेंट डोपिंग कराओगे। और पी टाइप का मतलब हुआ सर, पी टाइप का मतलब हुआ कि यहां पे नंबर ऑफ होल ज्यादा है, होल ज्यादा है मतलब सर एक्स्ट्रा होल पहले से ही क्रिएट करो। कब होगा? जब सर यहाँ पे ट्राइवेलेंट मॉलिक्यूल डालूंगा, क्योंकि उसमें से तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो होल पहले से ही होता है, तो ये मेरे पास ट्राइवेलेंट का होता है। इतना छोटा सा बात हो गया। अच्छा फिर कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चार ऑप्शन है आपके पास। इलेक्ट्रॉन एन टाइप का मतलब क्या हो गया सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी कैरीज एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर इन डोप। तो बच्चे ये तो गलत है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मगर ट्राइवेलेंट डोपिंग नहीं होता। अच्छा अगर मैं बात करूं दूसरे में, कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अच्छा मेरे पास एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी पे है, होल्स आर माइनॉरिटी कैरीज एंड पेंटावेलेंट एटम आर डोप, यानी ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट हो गया। बोलो ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके अब थोड़ा सा बात करते हैं सर, आपने एन टाइप डोपिंग किया, पी टाइप डोपिंग किया, आपने इंस्टेंट यानी प्योर सेमीकंडक्टर भी पढ़ा। अब मैं एक काम करता हूं सर, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला देता हूं, ठीक है। अब ऐसा कभी नहीं होता है बच्चे कि मैंने मान लो एक पी टाइप लिया, पी टाइप कंडक्टर लिया या सेमीकंडक्टर लिया, और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, और पी टाइप और एन टाइप को सर ऐसे किया पास पास लाके जोड़ दिया, तो ये पीएन डायोड बन गया, पीएन जंक्शन डायोड बन गया। ऐसा नहीं होता बच्चे, आप इसको ऐसे इस तरह से रख नहीं सकते। रखने का मतलब क्या हुआ सर, आप इनको जोड़ते हो और वो जोड़ने का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो आप कभी ये मत कहना कि सर पी एन जंक्शन क्या हुआ, सर पी सेमीकंडक्टर एन सेमीकंडक्टर को बाजू बाजू में रख दो, इस तरह से आप पी एन जंक्शन बना लेते हो। नहीं, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है और इनको एक दूसरे में डोप कराना पड़ता है, क्लियर है। तो अगर आपके सामने ये कभी क्वेश्चन आ गया तो आप उसका डायरेक्ट आंसर नो कह दीजिएगा, क्लियर है। यस सर। पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है। अच्छा अब पीएन जंक्शन में ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है कि सर इसको हम इतना ज्यादा तजुर्बा दे रहे हैं कि सर पीएन जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो बच्चे क्या इसमें नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, बोला। और अगर एन टाइप की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं नंबर ऑफ होल से, एन मतलब नेगेटिव। तो मैं इसको इस तरह से कह सकता हूं कि चलो सर मैंने यहां पे डोप किया हाई टेम्परेचर पे और पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ जोड़ दिया, तो होगा क्या सर? ये मान लो ये हो गया मेरे पास पी टाइप और ये हो गया सर एन टाइप सेमीकंडक्टर। थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि इसमें सीन चल क्या रहा होगा। सर पी टाइप में मैं इन जनरल होल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो सर अब नंबर ऑफ होल्स आप देखो तो इसमें नंबर ऑफ होल ज्यादा है कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, बोलो एग्री। और अगर एन टाइप की बात करूं तो सर एन टाइप में आप अगर ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे कंपैरिजन टू नंबर ऑफ होल्स के, बोलो ये बात एग्री है। आपको एक चीज पता होगा कि कोई भी चीज जो है वो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ मूव करने लगता है बैलेंस बनाने के लिए।
अब आपको पता है कि यहाँ नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, मतलब होल्स की डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, जबकि इसके बगल वाले रीजन में होल्स की डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे होने लगता है डिफ्यूजन। तो होता क्या है कि सर यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो आपको एक चीज आइडिया लगेगा कि होल्स जो है वो यहां से यहां पे मूव करने वाले होते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी होल्स यहां पे ज्यादा है ना, तो उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, होल्स यहां पे ज्यादा है तो होल्स यहां से यहां पे जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जाएंगे। बोलो एग्री। अच्छा ऐसा तो होगा नहीं कि सर ये जाते ही रहेंगे, ये तो शुरुआती दौर है कि ठीक है सर यहाँ पे जैसे ही मैंने जोड़ा और मुझे देखने में लगा कि यहाँ पे डेंसिटी होल्स की ज्यादा है तो होल्स यहाँ से यहाँ सॉरी यहाँ ज्यादा है डेंसिटी तो होल्स यहाँ से यहाँ, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने लगे। अब बात यह है कि सर क्या मूवमेंट होता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक? ऐसा थोड़ी ना कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा अब ध्यान से देखना, हर इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए होल है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के लिए होल है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के लिए होल है। तो बच्चे जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस होल से क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा और उसको न्यूट्रल बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि यहां से इनके जो मूवमेंट है वो हमेशा हमेशा होते रहते हैं। अब इसको एक सही तरीके से मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, इसको समझना कि एक बार मेरे को छोटा सा डायग्राम बस बना लेने देना। देखना बच्चे, यहां से जब होल्स आ रहा है, ठीक है, यहां से होल्स आके यहां पे आएगा, तो मैं मान लेता हूं चलो सर यहां पे होल्स आ गए इस रीजन में, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना, अब यहां पे अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं कह देता हूं अभी भी इस पी में कम है और नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, तो नंबर ऑफ होल्स यहां पे ज्यादा है कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कह रहे हो सर कंपैरेटिव ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स के। बोलो एग्री। अभी अभी भी देखना, बात तो वही है कि सर यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन है और यहां से कुछ होल्स इस रीजन में गए, ठीक है, बट अभी भी डेंसिटी दोनों जगह सेम नहीं हुई। अभी भी क्या होगा सर, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी मूव करेंगे, बट एक यहां पे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होने लगा। वो प्रॉब्लम क्या है सर, यहां पे नेगेटिव चार्ज है और ये होल्स जो कि मुझे पॉजिटिव चार्ज के तरह बिहेव करेंगे, तो यहां पे क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से जनरेट होने लगेगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में जाएगा। बच्चे बताना, इस लेयर बनने के वजह से यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगेगा। और अब मैं कहूं कि जनाब यहां एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब अगर वो यहां पे जाने लगे तो बच्चे इन इलेक्ट्रॉन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक फोर्स लगने लगेगा, और अगर बच्चे यहां पे जिस फोर्स से ये यहां से यहां पे जा रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स कम लगा तो सर ये मूव करके इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, मगर अगर ये फोर्स उसके बराबर हो गया तो फिर इस रीजन से इस रीजन में इलेक्ट्रॉन का आना पॉसिबल हो पाएगा नहीं। तो अब एक्चुअली में होगा, होता क्या है सर, ये मेरे पास क्या होगा सर, पी टाइप कंडक्टर हो, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यहां से मेरे पास पी टाइप से होल निकल के यहां पे आ रहे थे, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आपको देख रहा है, एक लेयर बना लिया, यहां से सर नेगेटिव चार्ज यहां से यहां आ रहे थे, तो इस रीजन में मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से बच्चे यहां एक रीजन बन गया, और इस रीजन को आप क्या बोल रहे हो सर, ये डिप्लेशन रीजन हो गया। डिप्लेशन मतलब सर यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव मूव कर रहे थे। अच्छा इस डिप्लेशन रीजन में इस नेगेटिव और पॉजिटिव के वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है सर, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन है
उनको यहां से यहां आने में रोक रहा है। और एक टाइम ऐसा ये डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाएगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में आ नहीं पाएंगे। ठीक है, इस तरह से मेरे पास एक पी एन जंक्शन डायोड बन जाता है। बोलो एग्री हो? और सर ये जो बीच में रीजन बना, इस रीजन को मैं क्या बोल देता हूं? डिप्लेशन रीजन। बोलो एग्री? ठीक है, तो एक्चुअली में है यही। मैं आपको एक बार जो यहां पे चीजें लिखा है वो एक बार बता देता हूं। अ पी टाइप और एन टाइप सिलिका क्रिस्टल कैन बी मेड बाय एडिंग अप्रोप्रिएट इंप्योरिटी। आप लोगों ने ये बात पढ़ा भी होगा कि सर मैं कुछ डोपिंग करता हूं जिसकी वजह से पी टाइप एन टाइप मेरे पास कंडक्टर बन जाते हैं। अच्छा, जब मैं पी एन जंक्शन डायोड बनाता हूं तो ऐसा नहीं है कि इनको एकदम से पास में जोड़ दिया वैसा बन गया। ठीक है ना, इसमें बेसिकली बायस ऑफ डोपिंग पी एन जंक्शन डायोड होल्स आर मेजोरिटी पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स एन साइड होल्स दिस डिफ्यूज ऑफ एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन टू पी साइड। इसके वजह से एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट होता है, इसका यहां से यहां आना, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का और होल्स का यहां से यहां आना, ये एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग पढ़ लेना जो मैंने बोला है, एग्जैक्ट वही चीज लिखा हुआ है। अब इसमें एक छोटा सा काम मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। अच्छा, इस डिप्लेशन लेयर के बीच में बच्चे आप यहां पे देखो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां पे इस डिप्लेशन लेयर के वजह से क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अच्छा आपको भी पता है सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां है तो मेरे पास पोटेंशियल किस रीजन का ज्यादा होगा, इस पॉइंट का या इस पॉइंट का? आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलना शुरू करते हो तो बच्चे मुझे ये बताना कि पोटेंशियल कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता है। कम होता है। तो आपको ये पता है सर इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए बोल दूं, इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी बोल देता हूं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है, इस पॉइंट का वी बी है, तो आपको ये भी पता है कि सर इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो बच्चे डिप्लेशन लेयर में एक्चुअली में अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल सर यहां पे तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मगर आप अगर देखो तो यहां से बच्चे यहां से यहां पे जाने में पोटेंशियल लगातार कम होता है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है आपका डिप्लेशन लेयर के बीच में, ठीक है, इसे आप पोटेंशियल बैरियर बोलते हो। ये क्या हो गया? ये पोटेंशियल बैरियर हो गया। मान लो इस पोटेंशियल बैरियर को मैं वी नॉट बोल देता हूं, कोई गलत नहीं है। अच्छा, अब अगर मुझे ये कहना है कि सर अब एन टाइप से मुझे पी टाइप पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना है, अगर यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना है तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं अगर वी नॉट से कम पोटेंशियल दे दिया तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जा सकता है? बोला बच्चे, क्या जा पाएगा? नो सर। मगर अगर मैं कह दूं कि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने एक पोटेंशियल एनर्जी दे दी जिसकी वैल्यू V नॉट से ज्यादा है, तो सर अब तो ये आराम से यहां से यहां जाएगा, क्योंकि अब ये जो डिप्लेशन लेयर जो बैरियर बना था उस बैरियर को क्रॉस कर सकता है। बोलो एग्री हो? तो पीएन जंक्शन में ये जो डिप्लेशन लेयर क्यों बना वो समझ में आया, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है ये समझ में आया, क्लियर है ये पॉइंट? सर पीएन जंक्शन डायोड बना के क्या मिला? अभी बताते हैं बच्चे। एक्चुअली में पीएन जंक्शन डायोड से, चलो इसका एप्लीकेशन भी मैं आगे चल के बता ही रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, मैं क्या किया, मैंने एक पीएन डायोड लिया, ठीक है, और इस पीएन डायोड में मैं इस तरह का एक बैटरी लगा दिया, जहां पे आपको पता है सर अगर कोई बैटरी नहीं लगाता तो पीएन, अगर यहां पे कोई बैटरी तो लगा नहीं है इस सेमीकंडक्टर में, तो आपको एक डिप्लेशन रीजन नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना। और यहां से यहां पे आप देखोगे तो ये मेरे पास पॉइंट, ये वी ए है, ये वी बी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मुझे दिख रहा है इस डायरेक्शन में है, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी है। अब आप देखना
कि अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को वी कर देता हूं, कि मैंने एक बैटरी लगा दिया इस सेमीकंडक्टर में वी, और इस तरह से लगा दिया, तो बच्चे जो डिप्लेशन लेयर के वजह से मेरे पास यहां पे पोटेंशियल बैरियर आया था जिसे मैं वीबी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो वीबी कहां से होगा? सर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो पोटेंशियल बैरियर वीबी क्रिएट कर रहा होगा, बोलो एग्री? और आप यहां पे देखो सर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहां पे सर पॉजिटिव टू नेगेटिव, अब इस बैटरी के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा ईबी, और वो कितना पोटेंशियल जनरेट कर रहा है सर? वी। अगर मैं कह दूं कि सर ये वी मेरे पास लेस देन है वीबी से, कितना है बच्चे? लेस देन है वीबी से, तो क्या ये बैरियर खत्म हो पाएगा? नहीं। मगर बच्चे ये बैरियर, ये जो डिप्लेशन रीजन है, ये कम जरूर हो जाएगा, बोलो एग्री हो? यस सर, है ना। अब मैं कह रहा हूं सर इस वीबी को मैं बढ़ाते जा रहा हूं, और एक टाइम ऐसा आ गया जब मेरे पास वीबी के बराबर मैंने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का था, वो बराबर कर दिया है। तो बच्चे अब क्या डिप्लेशन लेयर जीरो हो जाएगा? यस सर। डिप्लेशन लेयर जीरो हो जाएगा, और अगर डिप्लेशन लेयर जीरो हो गया तो बच्चे बताना क्या यहां से जो होल्स थे वो आसानी से यहां पे जा सकते हैं? यस सर। और यहां पे जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से अब यहां पे जा सकते हैं? तो बच्चे अब यहां पे अगर मैं इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस वीबी से रखता हूं, तो क्या यहां पे होल्स के वजह से आई एच क्रिएट होगा, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के वजह से जो करंट फ्लो होगा वो यहां पर होगा, तो टोटल जो यहां पे करंट आई फ्लो होगा बच्चे, क्या वो आई आई प्लस आई एच के बराबर हो जाएगा? यानी यहां से सॉर्ट ऑफ आपका करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। यानी अगर पीएन डायोड में आप P को पॉजिटिव साइड से जोड़ दो और N को नेगेटिव साइड से जोड़ दो, तो ये बच्चे फॉरवर्ड बायस की तरह काम करने लगता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब यहां पे करंट क्या होगा? फ्लो होने लगेगा। बोलो एग्री इस बात से? अब चलते हैं दूसरी तरफ, क्या ये भी P इंजेक्शन है? बिल्कुल सर, बट यहां पे मैंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी है और मैंने P को एज अ नेगेटिव साइड से जोड़ दिया और N को एज अ पॉजिटिव साइड से जोड़ दिया। अब देखना सर, पहले ही इस PN जंक्शन के वजह से एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुआ था, जिसके वजह से यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया था, जिसको आपने बैरियर पोटेंशियल बोला था। अच्छा, अब आप बच्चे पॉजिटिव से नेगेटिव एक बैटरी के वजह से भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, वो भी उसी डायरेक्शन में। अब क्या होगा बच्चे, जो डिप्लेशन लेयर पहले केवल इतना था, अब क्या वो डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो जाएगा? बोला बच्चे, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो जाएगा? यस सर। अब बच्चे आप सोचना कि सर अगर मैं यहां पे रखे पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज भी कर दूं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है सर अभी भी वो नहीं मूव कर सकते, और यहां पे जो होल्स हैं सर वो भी अभी मूव नहीं कर सकते। बोलो बात सही है? ना ही इनका मूवमेंट यहां से यहां होगा, ना ही इनका मूवमेंट यहां से यहां होगा। तो बच्चे आप यहां पे पोलैरिटी चेंज करके पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का कुछ भी कर लो, क्या यहां पे कोई करंट फ्लो हो पाएगा? नो सर। तो बच्चे अब क्या कर दिया आपने, इसको रिवर्स बायस बोला गया। फॉरवर्ड बायस में तो सर अगर आपने डिप्लेशन या बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा का पोटेंशियल का बैटरी लगा दिया तब करंट फ्लो हो रहा था, यानी करंट फ्लो हो गया तो ये किस तरह बिहेव करने लगा? सर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। मगर बच्चे पीएन जंक्शन में यही आप पोलैरिटी चेंज कर दो, यानी अगर मैं पीएन जंक्शन ले लूं, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, और पी को मैंने नेगेटिव से जोड़ा और एन को मैंने पॉजिटिव से जोड़ा, तो बच्चे ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा।
और रिवर्स बायस में मेरे पास किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं होता। तो बच्चे यहाँ पे ये कंडक्टर की तरह काम करने लगा, यहाँ पे ये इंसुलेटर की तरह काम करने लगा। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज है, अब क्योंकि आप सर्किट जब बनाते हो तो बार बार ऐसे डब्बा बना के पीएन नहीं बनाओगे, तो जो पीएन डायोड है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सर एक ट्रायंगल को गोला बना देते हैं, यहाँ पे जो ट्रायंगल का ये पॉइंट है सर इसको एन से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये पॉइंट में पी से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब आप ध्यान से देखना कि अगर मैं ये मेरे पास पीएन डायोड हो गया, ठीक है, और अगर मैं इस पीएन डायोड को यहां पे प्लस कर दूं, यहां पे माइनस कर दूं पोटेंशियल डिफरेंस, तो बच्चे अब पी साइड मेरा प्लस है और एन साइड मेरा माइनस है, तो बच्चे बताना ये किस तरह बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बायस या फिर रिवर्स बायस? फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, यानी कंडक्टर की तरह। और अगर आप यही मेरे पास जो डायोड है उसको नेगेटिव ये कर दो और आप ये पॉजिटिव कर दो तो रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। तू बताना बच्चे, अब मैंने क्या किया, यहां पे दो तरह की सर्किट रखी, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का एक बैटरी रखा और यहां पे मैंने एक अमीटर रख दिया, ठीक है, और यहां पे पीएन को ऐसे रखा, यहां पे भी है, बस यहां पे बैटरी की पोलैरिटी चेंज की है। क्या लगता है बच्चे, यहां पे क्या कोई करंट मुझे मिलेगा, इस अमीटर में कोई रीडिंग मिलेगी? यस सर। क्योंकि सर यहां से जब करंट जा रहा है तो करंट गया, और ये अभी पीएन डायोड क्योंकि मेरा प्लस यहां पर था और माइनस यहां पे था, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल के साथ था, तो सर यहां से करंट अभी भी फ्लो हो जाएगा। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा सर आपको यहां पे मेजरमेंट मिलने लगेगा। बट अच्छा, यहां पे अगर मेजरमेंट मिलेगा तो यहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा, बैटरी का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए ना? किसका? बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए, और इन जनरल हो जाता है बैटरी का, मतलब जो डिप्लेशन लेयर का या आप कह दो कि बैरियर पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा होता नहीं है। सर अगर फॉरवर्ड बायस में वी को वीबी से ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? वी को वीबी से ज्यादा करेंगे तो करंट और ज्यादा फ्लो होने लगेगा बच्चे, यहां पे ध्यान से देखना। सर अगर जस्ट वी वीबी के बराबर है तो बहुत कम करंट फ्लो होगा, क्यों? क्योंकि सर सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और यहां से होल फ्लो होने लगेगा, बस इसी वजह से। बट बच्चे पोटेंशियल बराबर हो तब भी होगा फ्लो? हाँ तब तो होगा ही। आप देखो ना, अगर सर डिप्लेशन लेयर नहीं होता, मैं कह रहा हूं सेमीकंडक्टर शुरुआती दौर पे जब मैंने बनाया था, तो आपको क्या लग रहा है कि इसके इसके अंदर सर किसी भी तरह का होल और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं दिख रहा था आपको? दिख रहा था ना? यहाँ पे कोई बैरियर आपको नजर आ रहा है इनके बीच में डिप्लेशन रीजन? नहीं। मगर स्टील यहाँ पे फ्लो तो हो ही रहा है, यहाँ पे करंट होगा। मगर बच्चे एक यहाँ पे जैसे जैसे टाइम, बहुत छोटा सा टाइम होता है ये, जैसे जैसे फ्लो होना शुरू होता है ये अपने आप डिप्लेशन रीजन बनने लगता है, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं लगाया है तो, ठीक है। तो ये बात है कि अगर मैंने V को VB के बराबर किया तो उस टाइम पे बहुत कम करंट फ्लो होगा, बहुत कम। मगर अगर मैंने V को और बढ़ा दिया तो बेसिकली करंट फ्लो ज्यादा होने लगेगा यहां से। क्लियर? यस सर। अच्छा, जो ये मेरे पास अभी फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा और ये मेरे पास अभी, तो यहां पे कोई करंट फ्लो होगा? सर नहीं, ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, और रिवर्स बायस है तो ये भी V जीरो होगा और यहां पे भी करंट भी I की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो यहां पे किसी भी तरह का करंट नहीं फ्लो होगा, जो भी करंट फ्लो होगा सर यहां से जाएगा और ये वापस आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। ओके, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात है कि सर अगर आप क्या करो कि एक बैटरी का पोटेंशियल V है और मैं उस सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है
और कैसे यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो देख लेता हूं। तो सर यहाँ पे मेरे पास एक पीएन डायोड है, ठीक है। अगर मैं इस पीएन डायोड को सर इसको प्लस और इसको माइनस कर दूं तो बैटरी मेरा पास कुछ ऐसे लगेगा। ये किस तरह काम करेगा सर? फॉरवर्ड बायस की तरह। और अगर इसी पीएन डायोड को मैं सर यहां पॉजिटिव ये नेगेटिव कर दूं, यानी बैटरी को उल्टा लगा दूं, तो सर ये रिवर्स बायस की तरह काम करने लगेगा। बोलो क्लियर है? अब इसमें क्या सीन चल रहा है? ये वी क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है सर? वी है इस बैटरी का पोटेंशियल। तो आप देखो सर, अगर मैं किसी सेमीकंडक्टर में पोटेंशियल जीरो करूं, इसको जीरो कर दूं, तो सर सेमीकंडक्टर के अंदर डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगा, जिसके वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे साइड में मूव नहीं करेंगे, तो करंट भी कितना नजर आएगा सर? जीरो। बोलो एग्री? यस सर। अब मैं इस पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं यहां पे फॉरवर्ड बायस के लिए। ये रीजन आपका फॉरवर्ड बायस के लिए है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में अगर पोटेंशियल में बढ़ा रहा हूं, तो बच्चे मान लो यहां पे ये जो डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुआ है, इस डिप्लेशन लेयर के बीच में मैं कह दूं कि मान लो 0.6 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर जनरेट हुआ है, तो आप अगर 0.2 भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करोगे, तो क्या यहां पे आपको करंट फ्लो होता नजर आएगा? नो सर। क्योंकि कम है सर, बैरियर से कम है, तो कोई करंट नहीं आएगा। कब तक सर? जब तक 0.6 नहीं कर देते। अब जैसे 0.6 से थोड़ा सा ही ज्यादा करोगे बच्चे, आपको नजर आएगा कि जो इसके अंदर करंट है वो बहुत अचानक से बहुत ज्यादा हो गया है। तो 0.6 से अगर मैं थोड़ा सा भी करना शुरू करता हूं, तो करंट मुझे बहुत ज्यादा मिलने लगेगा, क्योंकि अब वो एक कंडक्टर की तरह काम करने लगा है। यानी उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगी। तो V इजकल टू आई आर है, आई इजकल टू सर वी अपॉन आर होगा। आर अगर कम हो गया तो आई अचानक से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चे इसको मैं थ्रस होल्ड वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज बोलता हूं, ये वाला जो वोल्टेज है 0.6। कि सर ये जो अचानक से मेरे पास इस बैटरी का अगर पोटेंशियल इस कट ऑफ वोल्टेज से ज्यादा कर देता हूं, तो अचानक से मुझे क्या नजर आता है? करंट बहुत ज्यादा नजर आने लगता है, ठीक है ना। तो उसको मैं थ्रस होल्ड बोल दूं या फिर कट ऑफ वोल्टेज बोल देता हूं। यानी ये पॉइंट क्या हो गया बच्चे? कट ऑफ वोल्टेज हो गया। यानी जो आपका बैरियर था, बैरियर पोटेंशियल वीबी, वो आपके पास क्या हो गया सर? कट ऑफ वोल्टेज या थ्रस होल्ड वोल्टेज, ठीक है। इन जनरल सिलिका के लिए आप देखोगे तो 0.7 होता है सिलिका डायोड अगर है, मतलब सिलिका का अगर आप पीएन जंक्शन का बना रहे हो तो 0.7, और जर्मेनियम के लिए बना रहे हो तो ये बैरियर पोटेंशियल 0.2 वोल्ट आता है। तो अगर यहाँ 0.6 दिख रहा है, यानी ये बेसिकली जो ग्राफ बनाया होगा ये सिलिका डायोड के लिए बनाया होगा। क्लियर है? यस सर, ठीक है। अच्छा, दूसरा आता है एवलेंस ब्रेकडाउन। अब मतलब क्या हुआ सर? अगर आप फॉरवर्ड बायस के लिए काम कर रहे हो तो कट ऑफ वोल्टेज मिलता है, ठीक है। बट यहां पे आप बैकवर्ड बोल रहा हूं, रिवर्स बायस के लिए देख लो। रिवर्स बायस का मतलब सर पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव जनरेट करने लगो। नेगेटिव का मतलब पोलैरिटी चेंज कर दिया है ना। अच्छा, अब देखना सर, आप यहां पे जीरो करोगे तो जीरो ही नजर आएगा, बट आप पोटेंशियल जो वी है उसको एक वोल्ट कर दो तो अभी भी जीरो आएगा। सर 10 वोल्ट कर दो, अभी भी जीरो आएगा। बट क्या बच्चे ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि सर अगर यहां मैं बहुत ज्यादा पोटेंशियल कर दूं तो कुछ गड़बड़ होगा डिप्लेशन लेयर में? समझना क्यों? यहां पे देखना सर, आप जैसे ही इस पोटेंशियल को बढ़ाते हो, क्या ये डिप्लेशन लेयर भी बढ़ने लगता है? बोलो। यस सर। चलो मैं कह रहा हूं सर पोटेंशियल और बढ़ा दो, डिप्लेशन लेयर और बढ़ जाएगा। सर डिप्लेशन लेयर अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, पूरा बढ़ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चे, तब तो ब्रेकडाउन आ गया। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि बच्चे अगर मैंने ये बैरियर बहुत ज्यादा कर दिया, यानी इस जगह पे भी केवल पॉजिटिव चार्ज है,
सर इस जगह पे भी केवल नेगेटिव चार्ज है, तो अब इस बैटरी से जो पॉजिटिव चार्ज सॉरी जो नेगेटिव चार्ज निकलेगा सर वो क्या फ्लो होना शुरू कर जाएगा उस कंडीशन में, ये चीज बताना। अगर मैं ये कह दूं कि मैं इस बैरियर को बहुत ज्यादा कर दूं, ठीक है, इतना ज्यादा कि ये बैरियर पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब अगर मैं पोटेंशियल और बढ़ाने की कोशिश करूं तो बच्चे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर यहां से ज्यादा अगर मैं बैरियर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि हो नहीं पाएगा, तो सर यहां नेगेटिव चार्ज होगा, सॉरी ये पॉजिटिव होगा, सर ये नेगेटिव होगा, अब यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा या जो भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा वो आराम से निकल जाएगा यार, अब तो डिप्लेशन लेयर का कोई काम नहीं रह गया ना। रिवर्स बायस के केस में होगा ना, ये केवल रिवर्स के केस में होगा। तो बच्चे अगर मैं 20 वोल्टेज कर देता हूं ना तो आपको बहुत माइन्यूट सा मतलब मिली एम माइन्यूट मतलब ऐसा समझ लो कि 0.01 माइक्रो एम्पियर का उस टाइम पे करंट देखने को मिलेगा, बट बच्चे एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बैटरी की पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो डिप्लेशन लेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और एक पोटेंशियल बच्चे ऐसा आएगा कि आपको क्या नजर आएगा कि ये डिप्लेशन लेयर टूट चुका है, खत्म हो चुका है, और अगर वो डिप्लेशन लेयर खत्म हो गया तो अचानक से आपको एक बहुत बड़ा करंट नजर आएगा, क्योंकि अब डिप्लेशन लेयर तो रहा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर सकते हैं, होल्स भी आसानी से फ्लो कर सकते हैं, तो जैसा कंडक्टर बिहेव करता है सर उस तरह का यहाँ पे बिहेवियर हो रहा है। तो बच्चे जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे इस यहाँ पे बहुत तेजी से करंट फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है उस पोटेंशियल को मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलता हूं। ब्रेकडाउन मतलब सर जो बैरियर है उसको ब्रेक कर चुका है, तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज केवल रिवर्स बायस में होता है, क्लियर है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटे से पोटेंशियल में होता है बच्चे, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 89 या 90 के आसपास आपको नजर आ रहा होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो कि एक बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो रिवर्स बायस में क्या करंट फ्लो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। कब? सर जब मैं बैटरी की पोटेंशियल इस रिवर्स बायस के ब्रेकडाउन पोटेंशियल के बराबर कर दूं। बोलो एग्री इस बात से? यस सर। ठीक है, तो वो रिवर्स वोल्टेज बोल लो या ब्रेकडाउन बोल लो, और ये जो प्रोसेस है जहां पे ये ब्रेकडाउन होता है इसको एवलांस ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो आपके दिमाग में होने चाहिए। ये क्लियर समझ में आया जो ग्राफ बना हुआ है फॉरवर्ड बायस के लिए, रिवर्स बायस के लिए, कट ऑफ वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज का? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कुछ है तो पूछ लेना। नो सर। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली जॉइन इट अनदर एन टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट पी एन जंक्शन? क्या ये काम जो क्वेश्चन में कह रहा है क्या हम कर सकते हैं? नो सर। ठीक है, अभी डिस्कस भी हुआ था, इसका आंसर है नो, क्योंकि बेसिकली आप क्या कह रहे हो कि सर आप इसको फिजिकली केवल अटैच किए हो, किसी भी तरह का यहाँ डोप नहीं किए हो पी और एन टाइप में। तो बच्चे यहाँ पे अगर इनके बीच में गैप है तो कैसे जाएगा यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन, या फ्लो भी कैसे होगा, बैरियर बनेगा कैसे? तो नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, आपके पास एक सर्किट दिया है जिसमें दो डायोड दिए हुए हैं, एक पीएन डायोड ये है, एक पीएन डायोड ये है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 4 ओम है, सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्या सर्किट में कितना करंट होगा ये पता कर सकता हूँ? ट्राई करना क्वेश्चन में करंट कितना फ्लो होगा 2 ओम वाले में और 4 ओम में, पहले ये पता करना कौन सा डायोड रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा है, कौन सा फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा है। सर 5 5 एम्पियर
यानी और फोर ओम वाले में जीरो जीरो। क्योंकि आप देखो ना कि सर यहाँ नेगेटिव है, यहाँ सर पॉजिटिव है, करंट इस तरह से फ्लो होगा, जंक्शन दिखा सर करंट दो डायरेक्शन में चला जाएगा। अच्छा डी वन वाले में देखना सर, ये पी टू एन करंट जाएगा तो ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा होगा और ये रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा होगा। बोलो एग्री। रिवर्स बायस की तरह काम करेगा तो सर यहां पे तो करंट ही नहीं होगा, तो सर यहां करंट नहीं है तो चार ओम वाले में भी करंट सर जीरो होगा। अब सारा करंट केवल जा कहां रहा है सर, दो ओम वाले में। बोलो एग्री। तो बच्चे फॉरवर्ड बायस की तरह काम है तो ये आइडियल वायर की तरह काम करने लगेगा, तो करंट कितने में जा रहा है सर, दो ओम में जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से वी इज इक्वल टू केवल आई आर इक्विवेलेंट लिखूंगा, आई 10 है, आई दो ओम में केवल 4 है, आर इक्विवेलेंट 2 है, तो आई की वैल्यू इस पे आ जाएगी 5 एम्पियर। बोलो क्लियर। यस सर। ठीक है, एक ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देना। इन एन अनबायस्ड पी इंजेक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज ऑफ, जब आप पी इंजेक्शन देख रहे थे तो आपने देखा था कि होल्स जो है डिफ्यूज हो रहे थे पी रीजन से एन रीजन में जाके, किसके वजह से? पहला सर फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन अट्रैक्ट कर रहे थे क्या, दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस रीजन है? होल कंसेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन, क्या ये रीजन है या सारे के सारे सही है? डी बी सी कौन कह रहा है बच्चे? सर सी। नाम क्या है? अनुपम। अनुपम और बी कौन कह रहा था? डी बोला। डी सारे सही है। सोच बी वाला गलत होगा ना, तो इसलिए सी आएगा। बी तो कभी हो नहीं सकता, दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर देखो तो ये भी न्यूट्रल होता था, और एन टाइप सेमीकंडक्टर बच्चे वो भी मैंने बताया था दोनों न्यूट्रल होते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है कि पी में सर नंबर ऑफ होल ज्यादा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मैंने बोला था कि यहाँ पे आप जितने का डोपिंग करा रहे हो सारे के सारे मटेरियल न्यूट्रल है। पी टाइप सेमीकंडक्टर भी एज अ न्यूट्रल मटेरियल होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल मटेरियल होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर इन दोनों को मैं मतलब जोड़ भी रहा हूं तो किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा? तो बी तो कभी नहीं हो सकता। अब सर अगर बी नहीं हो सकता तो डी भी नहीं हो सकता। अब ए एक हो सकता है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन अट्रैक्ट, एक ये तरीका हो सकता है, और सी भी सही हो सकता है, बट यहां पे मेन रीजन है बच्चे कंसंट्रेशन का, समझ लो कि सर पी रीजन में होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है कंपैरिजन टू एन रीजन के, इस वजह से ये मूव कर जाते हैं। बोलो एग्री हो इस बात से? यस सर। ए भी पार्शियली करेक्ट होगा, पार्शियली एक हिसाब से कह सकते हो, मगर ऐसा होता नहीं है यार बच्चे, कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक्चुअली में होल्स को क्या कर रहा हूं, अट्रैक्ट कर रहा हूं। अगर मैं आपसे इन जनरल रियलिटी में पूछूं तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन है सर इसमें चार्ज आप कह सकते हो सर नेगेटिव 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है, बट होल्स में क्या है, होल में क्या है, कि सच में मैंने बोला है क्या ये इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं? रियलिटी में पूछ रहा हूं क्या होते हैं? नहीं, मगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं। क्यों एज्यूम कर रहा हूं समझना सर, अगर ये मान लो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक होल जनरेट हो गया, ये ऐसा ही है, ठीक है, यहां पे एक होल जनरेट हो चुका है। अब बच्चे भैया ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये होल को खाली रखने देगा, ये तो अनस्टेबल होने लगा, कहेगा यार मुझे बाहर वाले कोर्स में 8 चाहिए थे, 2 यहां से मिल रहे हैं, 2 यहां से, 2 यहां से, मगर यहां से 1 का साझा हो रहा है और मेरे पास तो होल है, तो ये तो अनस्टेबल हुआ ना। अब ये क्या करेगा, किसी दूसरे सिलिका के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मान लो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको मूव कराएगा और ये होल यहां से यहां चला जाएगा, तो अब इस होल का एक सूडो क्या हो रहा है, मतलब ये होल ऐसा नहीं है कि यहां से यहां निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो अपने आप यहां होल क्रिएट हो जाएगा फिर से, तो मैं ये मान सकता हूं, ये एज्यूम कर रहा हूं
कि होल यहां से यहां मूव किया है, बट रियलिटी में तो इलेक्ट्रॉन मूव किया ना बच्चे। तो क्या होल के पास इन रियलिटी में कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। अब जब कोई चार्ज नहीं है तो इन रियलिटी में कुछ फोर्स लगा रहा होगा ये? नहीं। ठीक है, इस वजह से पहला भी गलत है। क्लियर है फंडा ये चीज? यस सर। इसको मैं ना सूडो चार्ज बोलता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक सूडो चार्ज मान रहा हूं मैं, रियलिटी में नहीं है ये, सूडो है। ठीक है। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन इट रेजेस द पोटेंशियल बैरियर। अगर मैं किसी फॉरवर्ड बायस को अप्लाई करता हूं पीएन जंक्शन में तो पोटेंशियल बैरियर रेज करता है, रिड्यूस द मेजोरिटी कैरियर करंट टू जीरो, लोअर द पोटेंशियल बैरियर, या ऑल ऑफ अबव, क्या सही है? सी। सी। अगर फॉरवर्ड बायस की बात करूंगा तो मैं जैसे ही पोटेंशियल बैरियर को क्या करता हूं सर, कम करता जाता हूं। बोलो एग्री इस बात से? सर बी का क्या मतलब हुआ? रिड्यूस द मेजोरिटी कैरियर करंट टू जीरो। जैसे मान लो अगर मेरे पास जो जैसे पी डायोड है, पी में मेरे पास क्या होता है, पी सेमीकंडक्टर में कौन मेजोरिटी में होता है, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स? होल्स। होल्स। तो अगर करंट यहां फ्लो हो रहा है तो मेजोरिटी कैरियर किसके वजह से होगा सर? होल्स के वजह से होगा मेजोरिटी करंट जो फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स होगा कम, मतलब माइनर होता है इलेक्ट्रॉन से, होता है बट कम होगा। कह रहा है कि मेजोरिटी कैरियर को जीरो कर देता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ा रहा है, होल्स नंबर ऑफ होल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना घटा बढ़ा रहे हैं वहां पे। ठीक है। तो ऑप्शन तो यार इससे बड़ा परेशान। क्लियर है? ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, कह रहा है इन फिगर अज्यूमिंग द डायोड टू बी आइडियल। आइडियल डायोड का मतलब है कि सर अगर फॉरवर्ड बायस बना तो आइडियल की तरह काम करेगा, रिवर्स बायस बना तो सर सर्किट ओपन हो जाएगा, यहां से कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो दो तरह का डायोड यहां पे बना हुआ है, -10 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस आर है, और यहां पे अब पूछ रहा है कि कौन सा डायोड रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, कौन सा फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। D2 फॉरवर्ड, D1 रिवर्स। पक्का? ऑप्शन बी। अच्छा ये बताना कि D1 से कितना करंट जा रहा होगा, D2 से कितना करंट जा रहा होगा? क्या D1 से मतलब A टू B नहीं जा रहा होगा, कोई करंट तो नहीं जा रहा होगा A टू B। अगर आप देखो तो अगर मैं देखूं कि सर ये नेगेटिव चार्ज है, सर यहाँ पे 0 वोल्ट है, ग्राउंड किया हुआ है, तो सर मेरा करंट कहां से कहां जाएगा, हायर से लोअर पोटेंशियल। तो सर अगर कुछ नहीं होता तो करंट इस डायरेक्शन में जाता, तो सर अगर करंट जा रहा है तो ये देखना मेरे पास ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये एज अ फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, बट यहां पे अगर मैं देखूं ये पी हो गया, एन हो गया, ये सर अब रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। चूंकि ये रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा है तो सर ये ओपन सर्किट हो गया, तो यहां पे जो करंट फ्लो है वो जीरो है, बट स्टिल ये एज अ फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा और ये एज अ रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। ठीक है। P1 में आपने उल्टा लिखा है, P उस तरफ होगा। क्या चीज? PN होता था ना यार बच्चे, P उस तरफ होगा। अच्छा ये P होगा, ये N होगा, सॉरी। ठीक है, सही है अभी? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा इसका आंसर मुझे बताना, होल इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ वैलेंस क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स लीव अ कोवेलेंट बॉन्ड, या एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या एन आर्टिफिशियल क्रिएटेड पार्टिकल। चार में से कौन सा सही है? अ वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। बी वाला पार्ट सही है, एंटी पार्टिकल नहीं होता है बच्चे, पहला चीज ये कोई आर्टिफिशियली क्रिएटेड पार्टिकल भी नहीं है, ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या मैं बोल सकता हूँ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस पे, क्या ये बोल सकता हूँ? नो सर। नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो बच्चे वैलेंस से निकलने के बाद बनता था, तो ये भी नहीं बोल सकता। ये एक्चुअली है क्या,
जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होता है, जब उसको टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के वहां पे एक क्या वैकेंसी क्रिएट कर देता है दूसरे इलेक्ट्रॉन के आने की, तो वो वैकेंसी क्या है, होल है। ठीक है, अब एक ये छोटा सा पार्ट है यार बच्चे, रेक्टिफायर नेक्स्ट क्लास में कराऊं क्या? अच्छा, रेक्टिफायर इससे पहले देखा हुआ है आप लोगों ने। देखना अपने पास दो चीज बचे हैं, हाफ रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पहला। अच्छा, दूसरा यहाँ पे बचा है गेट। गेट आपने शायद कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जैसे और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, ठीक है ना। तो ये एक दो छोटे से टॉपिक है। बोलो अभी रेक्टिफायर पढ़ोगे या फिर इससे पहले जो पढ़े हो एक बार उसका रिवाइज करोगे? रिवाइज कर, पहले वाले क्वेश्चंस करा दो। किसके कौन से? उतने क्वेश्चन तो यार सफिशिएंट हैं उतने, ठीक है। एक बार जब अपन गेट के बारे में पढ़ लेंगे ना, फिर उसमें भी कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं, और वो हार्ड नहीं है, बस ये है कि चीजें थोड़ी दिमाग में समझ में आनी चाहिए, दैट्स। तो चलो रेक्टिफायर अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, राइट? ओके सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी उतना है नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर खत्म, उसके बाद ये सेमीकंडक्टर तो खत्म है। गेट लास्ट टॉपिक है, ये एक नहीं नहीं रेक्टिफायर है, उसके बाद आपका आएगा गेट, वो लास्ट। हाँ, मतलब नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो टेक केयर बच्चा, बाय।